Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. आप लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या मॉडिफाई मैंने करा है इंटरसेप्टर 650 में अभी तक, तो अभी मैं बताता हूँ। ये स्टिकरिंग मैंने किया है पूरा थीम को लेके, ये जो सनस्ट्रिप रेड को लेके, यहाँ पे गोल्डन वाला थोड़ा जो इन्वर्टेड सस्पेंशन टाइप फील दिया है, देन ये लगाया है, देन ये हमारा वो जो हिमालयन का है, और ये DRL के साथ माइनस हेडलाइट जो बोलते हैं वो लगाया है, रेडिएटर गार्ड है और ऑयल सम गार्ड है, और ये भी एक्सेसरीज है एक, और AEW एग्जॉस्ट ही है। बस इतना है अभी तक, आगे तो प्लान कर रहे हैं कि जैसे कि ये ट्यूबलेस नहीं है, इसमें एलॉयज डालना है, तो अभी वेट कर रहे हैं जो नया मॉडल शॉटगन आएगा उसका, शायद अगर मिल जाए तो लगाएंगे। ये है लुक्स इसका साइड से, देख सकते हैं इट्स जस्ट रन अराउंड 1162 किलोमीटर्स, चलाने का टाइम ही नहीं मिलता है ये सब। AEW का दिया गया हुआ वो बैफल है, ये इंस्टॉल होगा इसके साथ, ये स्क्रू सेट और एलन के भी दिया गया है, इंस्टॉल हो गया अभी जस्ट इसको, ये एलन के है इसका स्क्रू, इसको थोड़ा टाइट करना है वो एलन के साथ, इसके साथ बहुत पतला सा है ऐसे टाइट होता है, थोड़ा अंदर जाएगा। तो अभी मैंने ये इंस्टॉल भी कर दिया है, सो अभी देखते हैं दोनों में इंस्टॉल कर दिया है, अभी देखते हैं कैसे अभी इसका साउंड है। अगर करते हैं इंटरसेप्टर 650 का, ये जो एग्जॉस्ट है ये AEW का है, ये 7 kg आपको कम हो जाएगा आपका स्टॉक एग्जॉस्ट से, तो राइडिंग के लिए भी अच्छा है, वो वेट भी कम हो जाएगा, तो BHP भी थोड़ा इंक्रीज पता चलेगा आपको, मोस्ट रिकमेंडेड। ये जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है वो बहुत पीछे तक आ जाता है, बहुत बड़ा होता है, तो ये भी अच्छा ही दिखता है। पूरा वही क्रोम फिनिश में ही पूरा है। AEW 101 का ये वाला कवर नहीं आता, AEW 102 का आता है, बस इतना ही डिफरेंस है,
और क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा मोटा मटेरियल यूज़ होता है उसमें, बट फिर भी चलेगा।